बहुत बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। लक्ष्मीनगर में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। प्री मानसून की दस्तक से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर में हुए जगह जगह जलभराव से काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत राहगीर और वाहन चालकों को हो रही है। जगह जगह हुए जलभराव के कारण लोगों को अपना सफर पूरा करने में समय लग रहा है। शुक्रवार की सुबह हुई बारिश से मथुरा में मौसम में बदलाव देखने को मिला। यहाँ सुबह हुई बारिश के कारण मौसम सुहावना हो गया। यहाँ गुरुवार को जहाँ तापमान 32 डिग्री सेल्सियस था, वहीं शुक्रवार को तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम में हुए बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली। बारिश के कारण जहां तपन और उमस भरी गर्मी से राहत मिली, वहीं शहर में हुए जलभराव से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। मथुरा के भूतेश्वर और नए बस स्टैंड रेलवे पुल के नीचे अंडरपास में पानी भर गया, जिसका असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा। शहर के मुख्य रोड पर पड़ने वाले दोनों अंडरपास के नीचे पानी भरने से राहगीर खासे परेशान दिखाई दिए। रेलवे पुल के नीचे अंडरपास में पानी भर जाने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना वाहन चालकों को करना पड़ा। पानी भर जाने के कारण जहां दोपहिया वाहन चालकों को रास्ता बदल कर अपने गंतव्य को जाना पड़ रहा था, वहीं चार पहिया वाहन चालक भी पानी कम होने का इंतजार कर रहे थे। शहर में हुए जलभराव के बाद नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची, जहां पंप के जरिए पानी की निकासी शुरू की गई। नगर निगम के पंप अंडरपास में भरे पानी को निकालते नजर आए। मथुरा में जलभराव की समस्या से हर साल शहरवासियों को सामना करना पड़ता है, लेकिन यहां सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम सही न होने के कारण यह समस्या बनी रहती है। मैं जी रावल का रहने वाला, यहाँ पे बरसाने का यहाँ पे आए जी हम बीज लेने के लिए। तो क्या हो गया? तो यहाँ पे निकलने हुए तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, बरसा हुई थी, तो पानी निकलने के लिए कहीं का रास्ता नहीं है। जो तो नाली बनी हुई है छोटी बड़ी, वो रुकी हुई है, चौक हो रही है। तो सफा तो बता रहे कि भैया तो इतनी सफा नहीं हुई है जो पानी निकल जाए। नगर निगम की लापरवाही है, जो नगर निगम की लापरवाही ये है, थोड़ा बहुत काम कर दिया, पूरा काम नहीं हुआ है। जल्दी बल्दी में पर सफाई करती है, तो थोड़ा रुका हुआ पड़ा है। गाड़ी गुलाबी की परेशानी आ रही है कि रोड जो इतना नीचा है, इसको ऊंचे बनाने के लिए कार्रवाई करी जाए। राधे राधे साथियों, आज हम आपको लेके चल रहे हैं मथुरा की 65 साल की एक ऐसी हार्ड वर्किंग आंटी के पास में, जो कि अपने घर पर ही 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के शुद्ध मसाले बनाती हैं। आज हम आ गए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास, मथुरा बंदारू मार्ग पर केबीसी कैफे के बगल वाली गली में लोकेटेड आंटी जी के इस प्यारे से घर में। यहीं पर आंटी अपने घर में लगभग 40 से 45 प्रकार के अचार और 20 से 25 प्रकार के मसाले बनाते हैं। इन पर स्पेशल में 6 प्रकार के आम के अचार, 4 प्रकार के नींबू के अचार, 6 प्रकार के मिर्च के अचार, 7 प्रकार के आंवले, कैंडी और मुरब्बा, और इसके अलावा सीजनल अचार जैसे गाजर, मूली, सलजम, गोभी और इसी के साथ साथ मूंग की मंगोड़ी और ठंडाई जैसे प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं। आंटी जी के सारे शुद्ध प्रोडक्ट शिवानी नाम के ब्रांडिंग से अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके इनको अपने घर मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, या वीडियो में बताए गए एड्रेस पर विजिट करके यहाँ से भी लेके जा सकते हो और ऐसे ही लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट कर सकते हो। जय श्री राधे। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयां, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।